नमस्कार, मेरा नाम रीना कंवर है। और जो कल दिन में जो देवभूमि संगठन द्वारा राजनीतिक जो दल बनाया गया है, घोषणा की गई है, तो उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ अपनी दो बातें रखनी है। क्योंकि हम जब 2017 के एंड में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हिमाचल में जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो उसमें हम जुड़े थे। रुमित जी भी उसी में थे और सोलन जिला के अध्यक्ष थे। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कुंवर अजय सिंह जी और उपाध्यक्ष थे राष्ट्रीय टीम के उदय सिंटा जी, और हिमाचल के प्रभारी भी रहे वो। तो हम इस विचारधारा से जुड़े थे कि हमें सिर्फ अपनी अपने तक ही रखना है कि हमें आरक्षण मुक्त किया जाए, कि मतलब आरक्षण हमें भी मिले, क्योंकि हम तो चलो भुगते, हमें आने वाली पीढ़ी के लिए मतलब आसान हो जाए। तो इसीलिए हम एक सामूहिक संगठन, मतलब एक संगठन में मजबूती होती है। अगर एक जाएगा तो उसकी बात नहीं सुनेगा, जब सामूहिक जब कोई एकत्रित होकर जाते हैं तो उनकी बात सुनी जाती है, इसीलिए हम जुड़े थे। तो इसमें यह था कि जो उनकी मंशा थी रूमी जी की, वो शुरू से ही यही रही है कि मुझे आगे राजनीति में आना है, क्योंकि वो बीजेपी में युवा मोर्चा में भी रहे हैं। और उनका ये था कि 10 सीढ़ियां हैं तो मुझे एक सीढ़ी से सीधा लास्ट सीढ़ी में पहुंचना है। तो काफ़ी समय, मतलब काफ़ी टाइम उन्होंने टिकट के लिए भी अपने मतलब दावेदारी ठोकी थी वहाँ से, कुनिहार से, तो जो नहीं हो पाया। अभी जो कल ही उनका जो सच सामने आया, उसमें क्षत्रिय समाज जितना भी जुड़ा था वो इसलिए नहीं जुड़ा था कि वो राजनीति में आए, वो इसलिए जुड़ा था कि आरक्षण स्वर्ण समाज के लिए आरक्षण मिले। तो उसका सरकार ने स्वर्ण समाज का गठन भी किया है। तो ये जो विषय है, ये संविधान का विषय है और इसमें समय लगता है। तो ये तो नहीं कि अभी बोलो और अभी कर दो, तो थोड़ा समय लगेगा। जब गठित कर दिया है तो फिर बनेगा भी सही। पर मैं ये चाहती हूँ कि जो स्वर्ण समाज जो जुड़े हैं लोग, उनको बेवकूफ बनाया गया है, और जो उनका समर्थन कर रहे हैं वो उनके जो अब उनकी मंशा के वो कि उनको राजनीति करनी है, और जो विरोध कर रहे हैं वो आम है, आम स्वर्ण समाज है जी। मैम, आज ही आपने ये बात उठाई है, इससे पहले भी जैसे आपने कहा कि आपको पहले उन्होंने अध्यक्ष बनाने की बात की, उसके बाद जो है अपनी वाइफ को लेकर आए वो सामने, तो उसके पहले क्यों नहीं आपने ये बात रखी? मैंने इसलिए बात नहीं रखी क्योंकि मैं अकेली बोलती रहती, सब उन्होंने अपने रिश्तेदार सब ये वो सब इकट्ठा कर दिए। कि मुझे बहुत उन्होंने कहा कि इसको प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया, मेरी वाइफ को ना, मेरी वाइफ को अपने फैमिली में ही लाना चाह रहे, अपनी रिश्तेदारी सब उन्होंने इकट्ठा की, और जो संगठन था उसमें भी फूट डाल दी उन्होंने, वो भी अलग कर दिया राष्ट्रीय स्तर का संगठन, और उसके बाद उनको वहाँ संगठन से निकाल दिया था रूमी जी को। उसके बाद इन्होंने ये फैसला लिया कि देवभूमि संगठन उन्होंने बनाया। जी, आप इसमें लड़ाई ये है कि उन्होंने अपनी पत्नी को आगे किया या फिर इसके लिए कि वो राजनीति में आ रहे हैं? मेरा मसला ये है, किसकी लड़ रहे हैं? मैं ये लड़की, उन्होंने स्वर्ण समाज को बेवकूफ बनाया है। तो आप ये भी तो कह रहे साथ साथ कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी आगे कर वो उस टाइम पे किया, वो बिल्कुल वो उस टाइम पे किया था जब हम शुरू में जुड़े थे, जो 2017 के एंड में और 2018 के स्टार्टिंग में, उस टाइम पे जुड़े थे हम, तो साथ ही थे उस टाइम। उन्होंने बोला था मेरी वाइफ को बनाओ, इनको प्रदेश अध्यक्ष क्यों बना दिया, ये उस टाइम का मसला है। बट मैं आपकी बात कर रही हूँ कि अभी तो क्षत्रिय समाज को उन्होंने बेवकूफ बनाया है। चुनाव को लेकर तो उन्होंने कहा कि हम सोचेंगे चुनाव लड़े ना लड़े, सोचना क्या, जब बोल दिया तो उनका एजेंडा ही यही था कि कल हमने इस तरह से करना, लोगों को बुला के एकदम से घोषणा कर दी कि हम ये करेंगे। आपका आरोप है उनके ऊपर कि वो चुनाव में राजनीति कर रहे हैं, मतलब इस तरीके बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं, स्वर्ण समाज को गुमराह कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे जो संगठन के उनको भ्रमित किया है, गुमराह करके उन्होंने अपने साथ जोड़ा है। और आज की मतलब अभी कुछ लोग वैसे भी उनके खिलाफ हैं कि नहीं हमने राजनीति नहीं करनी है, जो हमारा मेन मकसद था आरक्षण का, उस पे ही हम टिके रहेंगे, नहीं तो हम आपके साथ नहीं होंगे। आप क्या चाहते हैं कि स्वर्ण आयोग के लोग राजनीति ना करें, चुनाव ना लड़े? लड़े, वो तो वैसे भी पहले भी वो पॉलिटिकल फैमिली से है ही, वो अगर वो वैसे या तो शुरू से वो बात रखते, या शुरू से ही वो अपनी जो राजनीतिक दल की घोषणा की वो शुरू से ही बनाते, तो लोग उसी हिसाब से जुड़ते। बट उन्होंने ये जो स्वर्ण आयोग का जो मुद्दा रखा, इसी पे चलते रहे और कल उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया। आप आज भी अकेली हैं, आप बोल रहे थे कि मैं आज अकेले, पहले मैं मेरे साथ कोई नहीं था, अभी भी आप अकेली हैं, तो इस बार किस दम से आप आगे आई? अकेली मतलब आप बोल रहे थे कि अभी तक आप अकेली थी, आप बोल नहीं पा रहे थे उनके खिलाफ, अभी भी आप अकेली मतलब कि अभी मतलब बोलने के लिए तो मैं बोलती थी देखो, पर सामने नहीं आई थी मैं, ऐसे लोगों से जो बातचीत होती रहती, कुछ हमारे लोग भी उनके साथ जुड़े हैं तो उनको गुमराह करके उन्होंने जोड़ा, जो भी है वो मुझे बोलते हमारे साथ जुड़ो, फिर मैं उनको पता नहीं था इस बात का, फिर मैंने उनसे कहा कि मैं ऑलरेडी पहले से हम जुड़े हैं, हमने साथ काम किया, युवा मोर्चा में भी थे ये, और कुछ बात होगी थी इस तरह से, मैं उनको समझाती थी किस तरह से हुआ है जी। तो अभी आपका क्या लगता है कि जो रूमी जी हैं वो सिर्फ राजनीति करने के लिए आगे आए हैं, और अभी जो है स्वर्ण गठन की जो मांग कर रहे थे, अब स्वर्ण आयोग के लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा जाएगा इसके बाद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा जाएगा, क्योंकि उनका लक्ष्य ही यही था मेन, राजनीति में आगे आने को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, और क्षत्रिय समाज को उन्होंने मोहरा बना के आगे आ गया। मैम, जैसे आप कह रहे हैं उनके पहले से ये निर्धारित लक्ष्य था, उनकी मंशा राजनीति में आना, तो आपने पहले लोगों को क्यों नहीं स्वर्ण समाज के लोगों को इससे अवगत करवाया कि ऐसी मंशा आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया? आज ही ऐसा क्यों आया जब से कल से ये फूट देखने को मिली, क्या अब राजनीति को नहीं होगी?
जी इसीलिए तो मैं शुरू में ही हम साइड हो गए थे, क्योंकि इनकी मंशा, उनकी सोच, इनकी जो समझ थी वो अलग थी हमारे से, क्योंकि इनको राजनीति करनी थी उस हिसाब से कि नहीं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और हमारा सिर्फ आरक्षण तक का था। आप राजनीति नहीं करना चाहते थे? आप वो मोर्चा भी रहे? जी रही हूँ। तो आप बोले राजनीति नहीं करना? राजनीति में कोई इलेक्शन तो लड़ नहीं रही हूँ या कोई मीटिंग करनी मांग रही हूँ। संगठन से जुड़े हैं, संगठन से जुड़े हैं। ऐसी सूचना है कि रुबी ठाकुर ने कहा है कि हम पार्टी नहीं बना रहे, सूचना तो यही सुबह भी उनका मैंने देखा था कि नहीं सुबह मैंने उनका देखा था कि हमने तोड़फोड़ नहीं की, हमने किसको नुकसान किया पब्लिक। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि पार्टी नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो अच्छी बात है, फिर आरक्षण के इस पे करो, फिर तो पर किया ना नहीं करे, मुझे पता है कि वो इसी मंशा से है, वो बिल्कुल पार्टी बनाएंगे, वो मुझे पता है। तो आपका कहने का मतलब है कि शुरू से उनका मेन मतलब उनका कहने का मतलब ये है, सरल समाज अगर नहीं चाहेगा, जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, अगर नहीं चाहते कि पार्टी बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे। वो फिर तो लास्ट बात वो है, अब उनका था कि स्वर्ण आयोग गठित हुआ, ठीक है, उनको ये होगा कि बस यहीं तक का मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं आगे स्वर्ण आयोग के, चलो समय तो लगता है, और उनको ये लगा कि बस यहाँ से आगे मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, इसलिए उन्होंने कल ये अपना ऐलान कर दिया कि हम संगठन राजनीतिक संगठन में जाएंगे। नहीं, जो आज आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप इसके लिए कर रहे हैं कि अभी तक जैसे उन्होंने बिल्कुल बनाया, आगे भी आज उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो भी रॉन्ग होगी, वो भी एक सिर्फ चाल है कि लोगों को यूनाइटेड चाल है, बिल्कुल चाल है, शुरू से ही चाल है और आगे भी रहेगी। इतने सारे लोग हैं साथ और इतने सारे लोग जो विरोध कर रहे हैं और सड़कों पर उतरे हैं, क्या आपको उन लोगों को पहले अवगत नहीं करवाना चाहिए था कि उनकी जो मंशा है वो राजनीति की है, आयोग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जाएगा आगे? हम तो बोल देखिए जो हमारे संपर्क में थे हम उनको बोलते थे कि ऐसा है, बट उन्होंने भ्रमित कर दिया, गुमराह कर दिया कि नहीं हम स्वर्ण आयोग के लिए, स्वर्ण आयोग के लिए बस यही बात रखी, उन्होंने कोई ये नहीं रखा कि मैं राजनीतिक पार्टी कोई बनाऊंगा या कुछ इस तरह की घोषणा की जैसी उन्होंने कल की।